को नेते अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान महाराष्ट्र में जो मेरा संसदीय क्षेत्र है गढ़चिरोली चिमूर, जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है और जो देश का सबसे पिछड़ा घना आदिवासी बहुल उद्योग रहित और अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इस क्षेत्र के तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य का गढ़चिरोली चिमूर क्षेत्र नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित अत्यधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, अविकसित आदिवासी बहुल इलाका है। इस क्षेत्र के कई युवक राष्ट्रीय मुख्य धारा से टूटकर और समाज विघटक संगठन से जुड़कर विकास में बाधा साबित हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यहाँ का किसान, व्यापारी, शिक्षित अशिक्षित, गरीब और अमीर सभी भ्रमित है और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित इस आदिवासी बहुल का विकास करके एवं बेरोजगार युवकों का रोजगार उपलब्ध करवाकर उक्त समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी अवगत करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में ग्रेनाइट, डोलोमाइट, हीरा, पन्ना, मैग्नीज, लोहा, कोयला सहित जल एवं वन की अपार संपदा है, लेकिन फिर भी यह क्षेत्र का अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, इसका एक प्रमुख कारण है इस क्षेत्र में रेलवे का नेटवर्क का कम होना। क्या चाहते हैं बोलो। अध्यक्ष महोदय, पढ़ने दीजिए, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, यदि इस क्षेत्र को रेलवे नेटवर्क से जोड़कर या उपलब्ध प्राकृतिक संपदा के छोटे बड़े उद्योग धंधे स्थापित किए जाए तो न केवल इस आदिवासी क्षेत्र का विषय होगा बल्कि नक्सलवाद से पूरी तरह प्रभावित इस क्षेत्र के लोगों का रोजगार के अवसर भी सुलभ होंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि मंजूर वर्षा गढ़चिरोली रेलवे लाइन एवं नागबीड़ चंद्रपुर इस सिंगल लाइन को ब्रॉड गेज में रूपांतरित करके मंजूरी देकर अगर शुरू की जाए तो अध्यक्ष महोदय, मेरे आप महोदय सरकार से अनुरोध है। हो गया आपका, कार्रवाई की।